कहते हैं कि गांव के विकास के रास्ते ही देश के विकास होता है, लेकिन जब गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर वहां रास्ते को बनने नहीं दिया जाए तो गांव का विकास कैसे होगा। पूरा मामला रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत दौसेपुर का है, जहां गांव के प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश पांडेय द्वारा बार बार गाँव की सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कदम उठाया जाता है, तो वहाँ गाँव के ही दबंग और माफिया किस्म के सूबेदार मुरलीधर मुरारी मुकेश नानू सहित उसके परिवार के लोग चिकरोट को बनने नहीं देते हैं। क्या नाम होगा आपका? मिथिलेश पांडे जी। आपके गांव में कुछ चक्रोट को लेकर विवाद था, क्या था मामला? कुछ लोगों द्वारा गलत प्रचारित किया जा रहा है, उसको क्या था? मामला ऐसा था कि कुछ वर्ष पहले वो चक्रोट फेंका गया था, फिर उसमें मुरलीधर जो हैं और ये सूबेदार हैं और दो तीन उन्हीं के भाई बहन हैं, ठीक है, तो चक्रोट काट के फेंक दिए थे। मैं जब ग्राम प्रधान हुआ तो पहली बार मैं गया चक्रोट बनवाने के लिए प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन के द्वारा नापी उपी हुई। उसके बाद सुबह जब मजदूर फेंकने के लिए गए तो वहाँ पे 20 जनसंख्या में औरतें आकर के फरसे के नीचे लग गए सब, तो बोले नहीं चक्रोट नहीं फेंका जाएगा। फिर दो तीन बार कोशिश की प्रशासन से नपवाने की, प्रशासन नापा, उसके बाद चक्रोट फेंकने नहीं दिए सब। तो उस दिन प्रशासन आकर के अपने देख रेख में खड़ा होकर के जेसीबी द्वारा फेंकवा रही थी, मार्किंग करवा दी कि भाई मेड़बंदी हो जाएगी, सुबह मजदूर फेंकेंगे इसको। तो सब मनबड़ किस्म के आदमी हैं, चक्रोट काट के बीच देते हैं। कौन है वो लोग? वो मुरलीधर हैं और सूबेदार हैं, सूबेदार के लड़के मुकेश है और नानू हैं, उन्हीं के चार पांच भाई सब हैं जी। आप ही के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि आपके द्वारा ठीक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, उनके खेत से मिट्टी निकाली जा रही है। नहीं, खेत से तो मिट्टी नहीं निकाले, खेत के बगल से ही उनका जो है खेत, तो उनके जगह मिट्टी निकाल करके चक्रोट पर रख रहे थे, जिससे भी एक मार्किंग करवा दी कि भाई यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए। तो खेत तो उनका नहीं, सरकारी चक्रोट था, उसी में से मिट्टी निकाल रहे थे हम। दबंग टाइप के लोग हैं, कुछ विवादित हैं? हाँ, विवादित हैं, काफ़ी सारे लोग विवादित किए हुए हैं, जगह जगह पर झगड़ा करते, भीटा कब्जा किए हैं सब और सरकारी जमीन बहुत कब्जा किए हैं सब, कहीं नवीन पड़ती है तो कहीं चक्रोट है, जहाँ भी उनके खेत में चक्रोट जाता है काट के फेंक देते हैं सब। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, प्रशासन अपनी देख रेख में जितनी भी सरकारी जमीन है दौलतपुर की उसको खाली कराया जाए। इन विवादित लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, विवादित लोगों पर मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ कि जो मुकदमा, जो चक्रोट काट के फेंके हैं, उन पर मुकदमा कायम हो। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप जिला बदर भी ऐसा किया गया था आपके? जी नहीं, अगर मैं जिला बदर होता तो घर पर कैसे रहता, जिले में कैसे होता, प्रशासन के सामने प्रशासन के साथ खड़ा होकर के चक्रोट कैसे ना पाता। जिला बदर होता तो मुझे प्रशासन गिरफ्तार करके जेल में भेज देती, मैं बाहर थोड़ी घूमता। और वैसे किसी को जाँचना है तो जाकर के थाना रानीपुर थाना एसओ से जाँच ले और जाकर के मऊ जाँच ले कि मैं जिला बदर हूँ कि घर पर हूँ कि जिला बदर नहीं हूँ मैं। सब बेबुनियाद है, झूठे आरोप लगा रहे हैं सब। धरातल पे आप काम कर रहे हैं इसलिए आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। आप हमारे ग्राम सभा में, ये करीबन जब से प्रधान हुआ मैं 10-15 चक्रोट फेंकवाया हूँ और ऐसे ही अवैध कब्जा सब करके रखते हैं सब, और फेंकवाने के बाद बोलते हैं कि हमारे दबंग टाइप के हैं, फेंकवा दिए तो ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन मैं प्रशासन को साथ लेकर के, राजस्व टीम को साथ लेकर के मैं चक्रोट फेंकवाता हूँ। गांव के कुछ लोगों द्वारा ओपी चंद्रा जो आपके शिक्षक हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा भी कुछ किया जा रहा है, क्या है वो मामला? मामला ऐसा है कि बगल में उनका छक है, चक्रोट के बगल में एक तरफ मुरलीधर है, एक तरफ ओपी चंद्रा जी हैं। ओपी चंद्रा जी बहुत शिक्षित आदमी हैं और बहुत पढ़े लिखे सज्जन पुरुष हैं। तो जब नापी हो रही थी तो करीबन 8 कड़ी इधर चक्रोट के इनसाइड इनके खेत में घुस रहा था, फिर भी बेचारे 8 कड़ी अपना छोड़ करके उसके बाद चक्रोट नापा गया और सारा चक्रोट 15 कड़ी उनके खेतों में चला गया, और फिर फेंकवाने में उनको दिक्कत होने लगी, ना चक्रोट ना फेंका जाए।